ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खोला गया है। देश में भी हमने सरकार में एक अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना की, जिससे आयुर्वेद को लेकर उत्साह भी आया और विश्वास भी बढ़ा। आज एम्स की ही तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भी खुल रहे हैं। इसी वर्ष ग्लोबल आयुष इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन भी हुआ है, जिसमें भारत के प्रयासों की तारीफ WHO ने भी की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी अब पूरी दुनिया हेल्थ और वेलनेस के ग्लोबल फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करती है। यानी जिस योग और आयुर्वेद को पहले उपेक्षित समझा जाता था, वो आज पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद बन गया है। साथियों, आयुर्वेद से जुड़ा एक और पक्ष है जिसका जिक्र मैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में जरूर करना चाहता हूं। ये आने वाली सदियों में आयुर्वेद के उज्जवल भविष्य के लिए उतना ही आवश्यक है। साथियों, आयुर्वेद को लेकर वैश्विक सहमति, सहजता और स्वीकार्यता आने में